जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री महामाधुरी बाबा जी, श्री हरिवंश। अपने पूर्व जीवन के बारे में बताएं, आप शरीर आपका कहाँ का है, बचपन कैसा था? मेरा शरीर बेसिकली यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत जी, उसके एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता है। और परिवार में चार बड़े भाई, माता पिता, बेसिकली ये लोग ही थे। भक्ति कब से आई आपके अंदर, भक्ति का बीज? भक्ति का बीज कह सकते हैं कि पहले से बिल्कुल भी नहीं था कि पहले कोई ऐसा संस्कार हो भक्ति के। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिताजी पूजा पाठ किया करते थे, वो भोलेनाथ को मानते थे, शिव जी को मानते थे, उनकी उपासना किया करते थे, नित्य प्रति उपासना करते थे, तो उन्हें हमने उपासना करते हुए देखा था। वो हर मंडे को फास्ट रखा करते थे, कुछ भी नहीं पाते थे, तो उनसे थोड़ा सा प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, भक्ति भाव करना चाहिए, भजन करना चाहिए, बेसिकली ये था। उसके बाद धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, जब कॉलेज लाइफ हमारी स्टार्ट हुई जी, कॉलेज में हम गए तो संसार जैसा है, सब लोग जानते हैं कॉलेज लाइफ क्या है, कॉलेज में क्या क्या होता है, हम भी उसी में, उसी चकाचौंध में व्यस्त थे। फिर अचानक से प्रभु की प्रेरणा हुई कि नाम जपना चाहिए, कहीं सुना था किसी से नाम जपना चाहिए। कौन सा नाम जपना स्टार्ट किया आपने? सबसे पहले महामंत्र से शुरुआत हुई है, इस भगवती की यात्रा की जो शुरुआत महामंत्र से हुई है। पहले सिर्फ एक ही माला किया करते थे महामंत्र। कैसा लगता था जब करके? बस करते थे, ड्यूटी करते थे, लगने का तो कोई प्रश्न नहीं था कि कैसा लगता था, बट हाँ प्रेरणा थी कि करना चाहिए, तो एक माला डेली कर लिया करते थे। मॉर्निंग में उठ के कॉलेज जाने से पहले एक माला कर लिया करते थे। आपके हृदय में किसी कोने में मतलब कोई भूख ऐसी कि भगवान को जानना है, पाना है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी चिंतन ऐसा होता था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे कभी भी हम लोगों को देखते थे या अपने जीवन को ही देखते थे, एक दिनचर्या ऐसी थी, मॉर्निंग में उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, उसके बाद कॉलेज चले जाओ, फिर कॉलेज से आओ, फिर अपनी दिनचर्या, मतलब ये डेली का रूटीन देख के लगता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हमारा सिर्फ जीवन इतना ही है क्या? प्रभु ने हमें बस इसलिए भेजा है कि हम दिनचर्या अपनी करें और फिर सो जाएं, फिर उठें, फिर वही दिनचर्या? तो थोड़ा सा लगता था कि इसका उद्देश्य क्या है, पर वो क्लियर नहीं था उद्देश्य क्या है। कॉलेज में फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग रही थी? कॉलेज में जो भी जाता है तो वो कॉलेज में यही सोच के जाता है कि हाँ, अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ऐसा हर कोई एक्सपेक्ट करता है, तो हमारी भी कहीं कामना ऐसी थी। पर धीरे धीरे जब गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उनका सत्संग मिला तो समझ में आया जीवन का उद्देश्य यही नहीं है। पहले कैसे आप सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े, कैसे मिले उनसे? सबसे पहले जो मुलाकात गुरुदेव भगवान से हुई थी वो शरीर के बड़े भाई के थ्रू हुई थी जी। का लक्ष्य यही है, आप तैयारी करो, सहयोग श्री जी देंगे, बल तुम्हें श्री जी देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर आप ये चाह बढ़ाओ, ये चाह बढ़ाओ, मार्ग हम तुम्हें बताएंगे, आप उसमें बस चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हाँ, प्रतिक्षण आप तैयार रहो इस बात से, और वो मिलना चाहते इसीलिए तुम्हारे मन में बात आएंगे। अगर वो मिलना ना चाहे तो जीव के, जीव तो चाहता है मुझे संसार मिले झूठा, वो प्रिया प्रीतम को क्यों चाहेगा? पहले क्योंकि बड़े भाई हमारे गुरुदेव भगवान के ही शरणागत शिष्य हैं, वो वृंदावन का खंडवास स्वीकार करके वृंदावन रह रहे थे, तो मैं अलवर में पोस्टेड था, अलवर में जॉब करता था असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो श्री जी ने पहले से प्रेरणा दी कि चलो वृंदावन की हर महीने जाके परिक्रमा किया करेंगे जी। तो ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था नवंबर 2017 से स्टार्ट हुआ था जी। अचानक से प्रेरणा हुई कि चलो हर महीने हम वृंदावन जाएंगे और एक परिक्रमा एक महीने में किया करेंगे, कभी भी जाके जैसी अनुकूलता बनेगी। तो नवंबर में हम आए घर, भाई के घर पे रुके, तो उस समय सर्दी का टाइम था, तो डेली पूज महाराज जी हिद्धा में सत्संग किया करते थे जी। तो हम सुबह सो ही रहे थे, सुबह 4 बजे बड़े भाई ने उठा दिया हमें, उठो 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 उठो। अच्छा। हमने कहा क्या हो पहले गया? आप कितने बजे तक सोते थे? जनरली सोना 7-8 बजे तक तो होता था जी कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में क्या होता था, कॉलेज कभी गए हैं कभी नहीं गए, कभी बंक मार लिया, तो कॉलेज लाइफ तो ऐसी ही होती है। पर अचानक से बड़े भाई ने सुबह उठाया, हमने पूछा क्या हुआ, उठ के कैसा लगा आपको? बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी कि अचानक से उठा दिया गया, और सर्दी के टाइम में जब निकलने का मन भी नहीं करता है, तो उन्होंने उठाया, हमने कहा क्या हुआ, बोले कि नहीं चलो चलो सत्संग चलना है।
मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं डेली इस धाम में जी, तो उधर चलना है। उन्होंने कहा अब क्योंकि बड़े भाई की आ गया, हम टाल नहीं सकते तो मन मार के स्नान करके, उस समय 4 बजे कोई स्नान करने को नहीं जाता, पर हम गुरु बड़े भाई की आ गया मान के हम गए, हमें लेके आए सत्संग में इस धाम में जी जी जी। तो जब पहली बार गुरुदेव भगवान की हमने वाणी सुनी तो एक अलग सा आकर्षण था, एक अलग सी मतलब कुछ शक्ति सी थी जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मतलब वो हम डिफाइन नहीं कर सकते उस समय क्या हो रहा था, हमें अंदर ही बहुत ही पजल्ड लाइफ सी हो गई थी, अंदर ही अंदर पता नहीं लड़ाई चल रही थी कि ये जीवन सत्य है जो मैं जी रहा हूँ, या जो संत महापुरुष जीवन जी रहे हैं, या जो वो बोल रहे हैं ये जीवन सत्य है जी। तो धीरे धीरे आना जाना लगा, डेली सत्संग सुनने का अभ्यास भी बना, तो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि अंदर ही अंदर बेचैनी सी बढ़ती चली गई, कि अब डेली सत्संग सुनते थे बेचैनी इतनी बढ़ गई कि हम डेली सुबह सत्संग में जाते थे तो हमारा आंसू गिरने लग जाते थे, हमें ये नहीं समझ आता था कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। भक्त नामावली होती थी या राधा नाम गायन होता था तो हमारे आंसू अनवरत चलते रहते थे, उस समय हमें खुद नहीं समझ में आता था हो क्या रहा है। महाराज जी को जैसे आपने देखा पहली बार, उस समय क्या लगा था आपको? जब गुरुदेव भगवान के पहले बार दर्शन हुए तो हमें लगा कि बस यही हैं अपने, इनके अलावा जीवन में कोई अपना नहीं है। पहला ऐसा जो आकर्षण था उनका, जब उनने प्रेम से पूछा आप कब आए, तो लगा हम पता नहीं कितने जन्मों से आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जो इतना प्रेम गुरुदेव भगवान की दृष्टि से जो उनकी वाणी से झलकता है वो हम बयान नहीं कर सकते। मतलब कितना ऐसा लगा कि जन्म जन्म से भटके थे और किसी अपने बिल्कुल बिल्कुल सत्य सत्य वस्तु यही है। ऐसा ही लगा हमें कि हम संसार में कहीं भटक रहे थे, अब हमें ठौर मिली है, अब हम अपने घर पे आए हैं गुरुदेव भगवान से मिलकर। विरक्त होने की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई आपकी? विरक्त होने की यात्रा थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है जी। जब हम बीटेक करने के बाद एमटेक करा हमने, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे अलवर में कॉलेज में पढ़ाते थे, बीटेक के बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब बताया हमने, जैसे आपको बताया पहले ही, कि बड़े भाई के यहाँ हम आए तो सत्संग का स्टार्टिंग हुआ, सत्संग हम जाना आना चालू किया हमने। तो धीरे धीरे एक दो महीने हुए, नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ, फिर जब न्यू ईयर की बात आई जी, नए साल 2018 की जी, तो जनवरी में जब हम परिक्रमा करने आए थे तो फिर प्रेरणा हुई कि अब दीक्षा लेनी है। उससे पहले हमारा दीक्षा का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि दीक्षा में कुछ नियम होते हैं, लहसुन प्याज नहीं पाना, हम कॉलेज में रहते थे, कॉलेज हॉस्टल में रहते थे, तो उधर ये हम नहीं कर सकते थे कि लहसुन प्याज, क्योंकि उधर कंबाइंड मैस थी, सब बनता था जी जी जी, तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम सबको छोड़ पाए। तो जनवरी में ये डिसीजन लिया हमने कि अब दीक्षा लेनी है, चाहे उसके लिए हमें बाहर रहना पड़े, कॉलेज में नहीं रहेंगे हम, बाहर रह के एक आग आपके एक अंदर से भूख हो गई थी कि अब दीक्षा लेनी है, क्योंकि दीक्षा का उद्देश्य समझ में आता था कि दीक्षा क्यों आवश्यक है, गुरु जीवन में क्यों होना चाहिए, ये गुरुदेव भगवान के सत्संग सुन के इतना समझ में आने लग गया था कि दीक्षा लेनी है अब जी। बड़े भाई आपके कुछ कहते थे आपसे? बड़े भाई और भाभी दोनों गुरुदेव भगवान के शरणागत थे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा समर्पित चित्त है उनका, तो वो भी प्रेरणा देते थे, पर उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, वो कहते थे कि भजन करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, वो भी प्रेरणा देते थे, वो भी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, पर उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि हाँ आप हमारे गुरुदेव भगवान से ही दीक्षा लो या कहीं से दीक्षा लो, पर वो प्रभु की प्रेरणा थी, प्रभु का विधान था जो हमें आगे का मार्ग दिखा रहा था कि हमें इन्हीं का वर्ण करना है, यही हमारे सद्गुरुदेव भगवान है। तो जनवरी में जब हम आए, सत्संग अटेंड किया 3-4 दिन, क्योंकि हम जब कॉलेज में आते, कॉलेज से छुट्टी लेके आना होता था, दो तीन सीएल मिलती थी मंथ की, तो हम उसे छुट्टी लेके आए, उसके बाद फिर वापस गए, फिर विकलता इतनी बढ़ती चली गई। तो गुरुदेव भगवान से जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि राधा वल्लभ शेरवस नाम जपा किया करिए, तो हम गए कॉलेज हॉस्टल में, डेली का रूटीन बन गया था, राधा वल्लभ शेरवंश की एक माला करते थे। बट उससे पहले क्या हुआ था, अंदर ही इससे प्रेरणा ऐसी हुई कि इधर से हम गेरुआ वस्त्र लेके चले गए। अच्छा, हाँ, मतलब एक सात्विक वेश, जैसे देखा संत महापुरुषों को, देखा कि इनका वेश बहुत सात्विक है, क्योंकि उधर कॉलेज में हॉस्टल में तो ट्राउजर हो गया या शर्ट टी शर्ट पहनते, तो उसमें एक अलग सी फीलिंग होती थी, तो हमें लगा कि हम ऐसे वस्त्र लेके जाएं जैसे हम धारण करके भजन कर सकें। तो हम कुछ जैसे चतुरासी जी, हमारा जो मूल ग्रंथ है, आचार्य ग्रंथ है, वो लेके गए, भागवत जी भी लेके गए, एक मजीरा भी लेके गए एक मजीरा लेके गए कि हम कीर्तन किया करेंगे, राधा वल्लभ शेरवस नाम का कीर्तन किया करेंगे, तो ये सब लेके गए। अब क्या था, वस्त्र हमारी ये जो श्रृंखला थी ये सब लेने की, तो इसमें हमारी जो शरीर की बड़ी भाभी उन्होंने सपोर्ट किया, वो हमें मार्केट लेके गए, तो हमने कहा कि हमें वस्त्र लेने हैं, तो उन्होंने कहा कैसे वस्त्र, मैंने कहा कि सफ़ेद वस्त्र जो हम धारण करके भजन कर सकें। तो फिर बात है कि सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे तो गंदे हो जाएंगे, कॉलेज में फिर कैसे धुल लेंगे, तो हमने कहा ठीक बात है, तो एक काम करते हैं फिर गेरुए वस्त्र ले लेते हैं। और सात्विक था, अब हमें पता नहीं था कि गेरुए वस्त्र गुरु प्रदत्त होते हैं, संन्यास मार्ग का प्रतीक है, हमें नहीं पता था, पर हम लेके गए जी।
कॉलेज हॉस्टल में, फिर डेली का रूटीन मॉर्निंग में उठना, फ्रेंड्स कुछ देख के बोला करते थे आपसे, बहुत मजाक सी बनती थी कि आप पागल हो गए हो। जो कलीग्स थे हमारे कॉलेज के वो कहते थे आपको क्या हो गया अचानक से, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन कैसे, ये गेरे हुए वस्त्र और ये, क्योंकि जब कॉलेज में हम करते तो सुबह हम कीर्तन लगा दिया करते थे हॉस्टल में, राधा नाम कीर्तन, और काफी साउंड में, उसमें जब हमारे हॉस्टल में बच्चे भी रहते थे, हमारे स्टूडेंट्स भी रहते थे, फैकल्टी भी रहती थी, वो कहते थे आपको क्या हो गया अचानक से आप पागल से हो गए। ऐसा तो मजाक भी बनती थी, पर हमें उसको का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें समझ में आता था कि ये सत्य है, राधा नाम सत्य है, प्रभु का भजन सत्य है। तो धीरे धीरे ये शुरुआत ऐसी हुई, फिर धीरे धीरे नाम जब बढ़ाने का प्रयास किया जी। फिर फरवरी में हम 2018 में जब आए कॉलेज से, लीव लेके हम वृंदावन में आए, बड़े भाई के यहाँ ही रुके, तो फिर गुरुदेव भगवान का सत्संग अटेंड किया जी। दो छुट्टी लेके आए थे, दोनों ख़त्म हो गई जी। फिर हमने अपने आचार को, कॉलेज एचआर को फोन किया कि हम दो दिन और नहीं आएंगे जी। ठीक है, फिर दो दिन और खत्म हो गए, फिर धीरे धीरे ये करीबन 10-15 दिन होने लग गया। फिर एचआर का फोन आता है कि सर क्या हो गया, आपने कहीं और नौकरी ज्वाइन कर लिएगा? मैंने कहा मैंने ऐसा कहीं नहीं ज्वाइन किया है, अब मेरा मन है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा कभी। तो एचआर ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, अगर आप कहते तो सैलरी बढ़ा दे आपकी। हमने कहा नहीं, सैलरी का कोई मैटर नहीं है, बट हमारा पूरा मन वैराग्य मार्ग पे चलने का है। जनरली संसार में वैराग क्या होता है, विरह क्या होता है नहीं समझ में आता, बट हमने कहा कि अब हम बाबा जी बनेंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे। तो फिर बातचीत खत्म। आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से बाबा जी बने जी, जैसे लोगों में एक मान्यता है कि बाबा जी वही बनते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, घर वाले उनको छोड़ देते हैं और बस शरीर पे ढकने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता है, तो बाबा जी बन जाते हैं। नहीं, ये लोगों की मान्यता, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। लोगों की धारणाएं गलत है कि बाबा जी लोग भिखारी लोग हैं, या उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, या खाने के लिए नहीं होता है। क्योंकि जैसे अपने जीवन की हम बात करें तो हम जॉब भी करते थे, अच्छा खासा कमाते थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, जिसे संसार में अच्छा कहा जाता है। जनरली वो अच्छी लाइफ नहीं है, पर संसारिक लोगों की दृष्टि में वो अच्छी लाइफ है। हम जी रहे थे, सब कुछ था, सब अच्छा था, पर सत्संग मिलने के बाद समझ में आया वो अच्छा वास्तविक नहीं है। अच्छा क्या है? प्रभु का भजन है, प्रभु का मार्ग अच्छा है। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी लोग काम चोर होते हैं। बाबा जी जैसा जो काम कर रहे हैं बाबा जी लोग या संत महापुरुष कर रहे हैं, वो और कोई नहीं कर सकता। तो ये मान्यताएं जिनकी भी है वो मान्यताएं गलत। फिर विरक्त आप कैसे बने? फिर क्या हुआ, जब गुरुदेव भगवान से मुलाकात हुई तो श्री जी की प्रेरणा थी कि जब पहली बार मुलाकात हुई गुरुदेव भगवान से, तो गुरुदेव भगवान ने बुलाया, आओ बैठाया, तो बोले कैसे हुआ, कब आना हुआ। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि गुरुदेव भगवान कैसे जानते हैं मुझे, कि पूछ रहे हैं आप कैसे हो, कब आना हुआ। तो फिर मैंने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान ऐसा है कि मुझे अब अंदर से ही प्रेरणा ऐसी हो गई श्री जी की कि गृहस्थ में नहीं जाना है, घर गृहस्थी में नहीं जाना है, और वैराग्य लेना है। पर यह भी था कि अगर वैराग्य लेते हैं तो फिर जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे, वृंदावन में अखंडवास स्वीकार करते तो जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे। तो गुरुदेव भगवान से हमने प्रार्थना की, हमने कहा रोते हुए, उस समय ऐसी स्थिति थी, विकलता थी, गुरुदेव भगवान से हमने कहा कि बाबा जी अब हमें संसार में नहीं रहना है, अब मुझे राधा रानी चाहिए। तो ये जो प्रश्न था ये मेरा नहीं था, ये प्रभु ने ही, श्री जी ने ही निकलवाया। तो उस बात पे गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा बताया आपने विषय में कि महाराज जी मैं ऐसा ऐसा जॉब करता हूँ आप। फिर महाराज जी का प्रश्न ये था कि आपका विवाह हो गया। मैंने कहा बाबा जी विवाह तो नहीं हुआ है अभी। तो मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी मन में आता है वैराग्य ले लूं, ये प्रश्न था एग्जैक्टली। तो महाराज जी ने कहा, ये सब पूछा कि विवाह हो गया। मैंने कहा नहीं। तो कह इसमें सोचना क्या है, ले लो, हम तो बैठे इसलिए हैं बाबा जी के लिए। तो ये था उस दिन का जो प्रश्न जो गुरुदेव भगवान से मैंने किया, जो श्री जी ने करवाया, वो प्रश्न था जो मेरी जीवन का एक ऐसा प्रश्न था जिसने मेरी पूरा जीवन परिवर्तित किया। क्या मन में मन बना लिया है? हाँ, पहले शरणागत मन पर लो और सात्विक वेश पहन लो, मतलब सफेद अचला, सफेद ऐसे सफेद कुर्ता पहने, पैंट शर्ट में, और हम तुम्हारे साथ में चिंता नहीं करते जी, आपके चरणों की रच चाहिए, मतलब आप ही के चरणों में रहना है। बिल्कुल, हम अपने पास रखेंगे, तो चिंता मत करो। हाँ, और बिल्कुल घबराना नहीं, कोई भी विकार तुम्हें परास्त नहीं करेगा, बस जैसा हम कहें वैसा चलेगा। बिल्कुल, जितने भी संशय है सारे दूर। हाँ, आप निश्चिंत, आप निश्चिंत हो, बड़े भाग्यशाली बच्चा जो भगवान की तरफ चले, माया में जूते खा के संसार उसी में रहेगा। ये झूठा संसार केवल समय नष्ट, देखो 27 साल नष्ट हो गए पता नहीं चला, ऐसे ही पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तुम सावधान हो, कल ऐसा करो नहा के आ जाना, पहले शरणागत मंत्र ले लो,
वृंदावन रहो, सत्संग सुनो। एक प्रश्न है, तो फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप ले लो, पर उसके लिए कुछ दिन आपको इंतजार करना होगा, आप विरक्त भाव से वृंदावनवास करें। जी जी, और अपने परिवार वालों को बता दें कि अब आप वृंदावन में वास करें। परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार वालों में माता जी से सबसे ज्यादा मेरा अटैचमेंट था जी, तो वो सबसे टफ टाइम था मेरे लिए, जो अपने मदर को बता पाना, माता जी को बता पाना कि अब मैं वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर रहा हूँ, सबको छोड़ के, और मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, बाबा जी बन के विरक्त भाव से वृंदावन वास करूँगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था अपनी माता जी को बताना, उन्हें फेस कर पाना। पर गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी कि आप बता दो, तो फिर मैंने अपनी माता जी को फ़ोन किया। उस समय मेरी माता जी अपने दूसरे बेटे के यहाँ, हमारे कह सकते हैं हमारे बड़े भाई क्या थी, तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया कि माता जी मैं अब आज से वैराग्य ले रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊँगा, तो ये सुनते ही एक जैसे माँ का माँ की ममता होती है, उन्हें सदमा सा, एक आश्चर्य सा सदमा सा लगा, और फिर उन्होंने रोना जैसा होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कमी है तुम्हारे जीवन में, अगर आपको लगता है तो आप बताओ। पर मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर अब विवाह नहीं करना है, ना इस संसार में जाना है, और विरक्त भाव से, वैराग्य भाव से इस जीवन का यापन करना है और प्रभु को प्राप्त करना है। उससे पूर्व ही ये, क्योंकि ये प्रेरणा जो माता से बात करने की, और ये बल हमें तब मिला जब हमने चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ा, उससे हमें समझ में आया, जैसे चैतन्य महाप्रभु अपनी नवविवाहिता स्त्री को और अपनी माता को अकेले छोड़ के संन्यास धारण कर लिया था, वो पढ़ने के बाद एक आत्मबल जागा कि नहीं, जब वो हमारे आचार्य ऐसा कर रहे हैं इस मार्ग पे जाने के लिए, क्योंकि संसार को छोड़ना ही पड़ता है, संसार का राग त्यागना ही पड़ता है, तो उससे एक बल मिला कि नहीं, अब हमें संसार में नहीं जाना। आपकी माता जी क्या कहते हैं? एक बार हमारी माता जी मिलने आई हैं, पर ज्यादा कुछ बात नहीं हुई है, हमने कहा ठीक है, जैसा भी आपका जीवन चल रहा है ठीक है। आपके भैया भाभी तो गुरुदेव भगवान से दीक्षित जी, वो तो काफी सपोर्ट मिला है आपको। ये कह सकते हैं कि जो एक मोरल सपोर्ट मिला है, वो बड़े भाई और भाभी के सपोर्ट से काफी मुझे एक आत्मबल मिला है कि इस मार्ग पे चला जा सकता है। वो भी प्रेरणा देते थे कि हाँ, ये भगवत मार्ग ही सत्य है, भजन करना चाहिए। विवाह के लिए बात होती थी तो वो कहते थे अभी सोच लो कि विवाह करना है नहीं करना, क्योंकि एक बार वैराग्य धारण करने के बाद आप वापस नहीं आ सकते, और वापस आते हो तो फिर वो अपराध में काउंट होता है। तो मैंने कहा नहीं, अब वैराग्य में ही जाना है, वैराग्य ही धारण करना है और आजीवन ब्रह्मचर्य करना है। एकदम दृढ़ निश्चय आपने, वो गुरुदेव भगवान और इसकी कृपा से हो रहा है, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं। जय जय श्री हरिवंश। आज की श्रृंखला में हमने श्री महामाधुरी बाबा जी के जीवन चरित्र को सुना कि कैसे वो कॉलेज लाइफ में उन्होंने भक्ति स्टार्ट की, बीटेक करी, एमटेक करी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और उसके बावजूद भजन मार्ग पे, साधन पथ पे आगे बढ़े, खूब भजन किया, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। और ऐसे ही जितने भी हमारे नौजवान साधक हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कैसे वो भजन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।